मैं भारत आज 16 अप्रैल 2020 को आप सबों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। 9:09 वाली घटना के दिन हरियाणा में प्रजातांत्रिक लिहाज से एक बहुत दुखद घटना हुई। कुछ दबंगों ने हरियाणा के पलवल में भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की पिटाई कर दी, क्योंकि वह उस घड़ी दिया नहीं जलाया था। कारण कुछ भी हो सकता है, वैचारिक भिन्नता, सामग्रियों की कमी, समय का अभाव इत्यादि इत्यादि। चाहे उसने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान को नहीं माना, फिर भी किसी भी नागरिक को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यह असंवैधानिक है। अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ता से गलती हुई भी थी तो इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए थी। यह प्रजातांत्रिक लिहाज से अच्छी बात नहीं है। दबंगे दिखलाने एवं मिथ्या अभिमान के लिए ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। 14 अप्रैल 2020 को बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी टीवी मीडिया पर भारतीयों को 10 बजे प्रातः संबोधित करने आए। मुंह पर गमछा लपेटे हुए, संभवतः असक्षम ग्रामीणों को दर्शाने व बतलाने के लिए कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो गमछा से मुंह नाक ढककर भी कोरोना नामक वैश्विक बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खामी है, गमछे का आकार बड़ा होता है और मास्क के समान से आसानी से साफ करना भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा गमछा से खेतर ग्रामीण एवं मजदूर बार बार अपना चेहरा भी पोंछते रहते हैं और मुंह नाक आँख के संपर्क में गमछा बराबर आता रहता है, और ऐसा करने के लिए बार बार गमछे को सैनिटाइज करना भी संभव नहीं है। एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री के गमछा अवतार पर 30 लाख का सूट एवं 2 लाख का चश्मा पहनने वाले माननीय प्रधानमंत्री के रूप पर चुटकी ली और कहा कि अगर इन पर थोड़ी सी भी बचत की जाती और वह खर्च हॉस्पिटल इत्यादि पर किया जाता तो वह आज कोरोना संक्रमण के काल में भारतीयों के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आरंभिक 3 शब्दों का उच्चारण किया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लेकिन पूरी प्रस्तावना नहीं पढ़ी। चाहे जो मजबूरी हो लेकिन पूरी प्रस्तावना पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता और लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान की खूबियों एवं मूल भावना का पता चलता। कुछ लोग इसे आगे के शब्दों के साथ उनकी भिन्नता और कार्यशैली कारण मानते हैं। पूरा प्रस्तावना निम्न है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. प्रस्तावना का हिंदी रूपांतरण निम्न है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।